हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रॉ लर्न। दोस्तों, स्किन टोन के ऊपर मैंने पहले भी काफ़ी वीडियोस बनाए हैं, लेकिन आज के वीडियो में मैं मेरा सीक्रेट बताने जा रहा हूँ आपको। ऐसे कौन से शेड्स हैं जो मैं मेरे पेंटिंग के लिए यूज़ करता हूँ, खास करके पोर्ट्रेट पेंटिंग के लिए, जिसकी वजह से मेरे पोर्ट्रेट पेंटिंग इतने अट्रैक्टिव होते हैं, इतना लाइवनेस होता है उसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन बटन क्लिक कीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और साथ में मैंने आज एक पेंटिंग भी बनाया है, आप उसे भी देखिए, और अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि मैं नेक्स्ट पेंटिंग कौन से टॉपिक पे बनाऊं। थैंक यू। येलो ऑकर, बर्न सीना, ऑरेंज, वर्मिलियन, क्रिम्जन लेक, बर्न टम्बर, ये तो कॉमन शेड्स है जो पोर्ट्रेट पेंटिंग के लिए, फेस पेंटिंग के लिए यूज़ होते हैं। इसके अलावा ऐसे कौन से शेड्स है जो मैं यूज़ करता हूँ, वो सीक्रेट मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये वो शेड्स है जो मैं यूज़ करता हूँ मेरे पोर्ट्रेट पेंटिंग के लिए। ये नियॉन कलर है, नियॉन ऑरेंज, फ्लैश टिंट, नेपल्स येलो, नियॉन पिंक कलर, और ये है लेमन येलो कलर। तो ये सारे शेड्स मैं कैसे यूज़ करता हूँ, कैसे अप्लाई करता हूँ पेंटिंग में, चलिए इसके बारे में जानते हैं। ये मेरे कुछ पेंटिंग्स है जो मैंने बनाए हैं, इसके वीडियोस भी मैंने अपलोड किए हैं मेरे चैनल पे। तो यहाँ पे जो मैंने शेड्स यूज़ किए हैं, आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने नियॉन पिंक कलर यूज़ किया है, यहाँ पे मैंने नियॉन ऑरेंज कलर यूज़ किया है, नेपल्स येलो या फ्लैश टिंट कलर, या लाइट का जो मैंने पार्ट कलर किया है वहाँ पर थोड़ा बहुत मैंने लेमन येलो भी यूज़ किया है। ये पेंटिंग में भी आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने फ्लोरेसेंट पिंक कलर यूज़ किया है। तो ऐसे सब शेड्स में कई जगह पे यूज़ करता हूँ, नेपल्स येलो कलर, लेमन येलो, बहुत ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करता, लेकिन कम जगह पे थोड़ा बहुत यूज़ करता हूँ, जिसके वजह से मेरा पेंटिंग इतना अट्रैक्टिव होता है। ये देखो, यहाँ पे भी मैंने फ्लोरेसेंट कलर यूज़ किया है। तो ये सब शेड्स में यूज़ करता हूँ, आप भी ट्राई कीजिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि शेड्स को डायरेक्ट नहीं यूज़ करना है, किसी और शेड्स में मिक्स करके थोड़ा सा ही लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक यू।